Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today, आज भी हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है, अगर हम उसको करते जाएं तो वो प्रैक्टिस होते चला जाएगा. It will easy for us to use the appropriate verb in the appropriate place. हम पहले देखें कि किस तरह हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब. यहां पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब. यहां पर एक खाली जगह दूंगा जहां पर दो वर्ब लिखा जाएगा, उसको आप भर्ती करेंगे. आइदर ही और आई डैश गिल्टी एम इज. नेक्स्ट नंबर टू, नाइदर यू nor he dash guilty is a. Neither she nor they dash to blame is a. Either the father or the sons dash to blame is or are. Dash he or they to blame question marks hai, dekhi is a. Now, this five sentence, you look at this five sentence, how it is written here. उसके बाद में हम इसमें भरेंगे. कैसा होगा देखिए. पहला sentence, either he or I am guilty. देखिए, either or अगर आता है, उसके बाद में जो आया I या you कुछ भी आएगा, उसी को देखकर हम verb का चयन किए. इसलिए यहां am हुआ, I के बाद में am. Neither you nor he dash guilty और neither you nor he, उसके बाद में जो आएगा वो सिंगुलर रहेगा, is guilty. देख रहे हैं, neither she nor they dash to blame. यहां पर they है, they के बाद में आ रहेगा, ये direct second subject को नहीं follow करेगा. Next, either the father or the sons are to blame. यहां are होगा. Now, next, last five. He dash he or they to blame. Here is he or they. Here is होगा. Now, this five sentence, you look at this five sentence closely and understand the technique how I have used here, is or are. Next five sentence, look at here. Bread and water dash a rich food, is are. A horse and carriage dash waiting at the gate, is are. Rice and curry, my favorite dish, is or are. Nobody and no girl, ऐसा करते, no boy and no girl dash present there, was or were. Milk and honey dash costly, is or are. Here is the five sentence, look at these five sentence closely. How I am using is or are, or was or were. Now, look at first, bread and butter, पहले जब पढ़ाया हूं, अगर आप verb और subject verb agreement पढ़े होंगे मेरा, तो इसको आसान से कर जाएंगे. Bread and butter एक चीज है, इसलिए इसमें is का इस्तेमाल होगा. हो गया, a rich food. A horse and carriage, horse है और carriage है. Is waiting at the gate, is का इस्तेमाल होगा. Rice and curry, is my favorite dish. राइस और करी एक साथ में खाया जाता है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज का इस्तेमाल होगा. नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट देयर, वाज और वर. यहां पर वर्ज का प्रोग्राम इस्तेमाल होगा, वर्ज प्रेजेंट देयर. नाउ, मिल्क एंड हनी, ये दो अलग अलग चीज है. डैश कॉस्टली, ये अलग अलग चीज है जो कॉस्टली है. आ कॉस्टली, यहां पर आर का इस्तेमाल होगा. Now, this five sentence, मैं सोचता हूं कि आप ये five sentence को समझ गए होंगे. Next five sentence फिर हम देखेंगे. First, the poet and philosopher dash say so.
हैव हैज द पोएट एंड फिलोसोफर्स। यहां पर द पोएट एंड फिलोसोफर, जो पोएट है वही फिलोसोफर है, इसलिए कहा गया कि यहां पर हैज होगा, ये सिंगुलर है, हैज। नेक्स्ट, द पोएट एंड द फिलोसोफर डैश से सो, यहां पर देखो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाकर दोनों को फर्क कर दिए हैं, द पोएट एंड द फिलोसोफर, यहां दो पर्सन है, हैव सेड सो, इसलिए ये प्लूरल हो गया। अब समझ में आया। नेक्स्ट, ए ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इज आ, यहां पर एक जो ब्लैक काउ है वही रेड काउ है, यहां पर हम कोई भी आर्टिकल लगाकर दोनों को अलग नहीं किए हैं, वो एक गाय है जो ब्लैक है और रेड है, उसका मतलब हुआ इज ग्रेजिंग। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट देखो, टू एंड टू डैश फोर, टू एंड टू डैश फोर इज और आ, यहां पर देखो टू एंड टू डैश फोर इज फोर, इज फोर, द बॉयज who are playing there dash my friends, the boys who are playing there dash my friends, यहां पर boys क्या है, plural है, यहां पर plural होने के वजह से इस खाली जगह पर हम are का इस्तेमाल करेंगे, the boys who are playing there are my friends, ये पांच हो गया। अब आप देखते जाइए कि हम दूसरे पांच सेंटेंस को फिर आपके सामने में रख रहे हैं, और याद रखना होगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके देखिएगा, तब आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइव, पहला सेंटेंस, इट इज आई हु डैश डाउन दिस हैव और हैज। नेक्स्ट, इट इज दे हु डैश टू ब्लेम इज और आ। नेक्स्ट सेंटेंस, यू राम डैश अ विकेट बॉय इज और आ। ही डैश नॉट गो देयर, देयर और डैश। नेक्स्ट लास्ट देखिए पांच में, ही डैश टू गो देयर, देयर और डैश। पहला सेंटेंस, ये जितने सेंटेंस लिखे गए हैं आप उसे अच्छे से देखिए। पहला मैं क्या लिखा हूं कि इट इज आई हु, इट इज आई हु, आई के लिए या हु के बाद बाद कौन है, पीछे आई है, इसलिए यहां पर हैव हुआ, हैव डन दिस, यहां पर किसको भर्ती कीजिएगा, हैव डन दिस। इट इज दे हु, यहां पर देखिए हु के पहले कौन है, दे है, ये दे को फॉलो करता है, इसलिए यहां होगा अ टू ब्लेम, यहां पर आर भर्ती कीजिएगा। अब देखिए, यू राम डैश ए विकेट बॉय, यू राम, ये दोनों हो गए हैं, इसलिए इसको क्या करा गया, सेपरेटली यूज किया गया, आ विकेट बॉय, देखो यहां पर आर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, ही डैश नॉट गो देयर, यहां पर देखो हम बोल दिए हैं कि नेगेटिव अगर रहेगा तो उस वक्त में डेयर का इस्तेमाल होगा, डेयर्स का नहीं होगा, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ये सेंटेंस ठीक है, यहां पर डेयर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, ही डैश टू गो देयर, यहां पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, डा और डैश है, लिहाजा ही डैश टू गो देयर। अब ये पांच सेंटेंस, इस तरह आपको मैंने 20 सेंटेंस बताया, उम्मीद है कि आप इस 20 सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, और जब भी इस्तेमाल करिए फर्स्ट आप सोचिए कि मुझे कुछ जानना है, मैं खुद जानूंगा और मैं पढ़ूंगा और दिगर वीडियो को भी देखूंगा, मेरी वीडियो लेसन जो है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसको खोलिए और देखिए, उम्मीद है कि आप इस तरह गलती नहीं करेंगे, बहुत ही केयरफुल इस्तेमाल कीजिए। ओके, आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं ना
आंख दिखाकर ना हाथ झाड़कर पढ़ा सकता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मुझे जिस तरह पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूँ। आप ठंडे दिमाग से इसको देखते जाइए और सीखते जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अभी का अभी सिर्फ पुश कर दीजिए। मैं फिर आपके सामने में दूसरा लेसन लेकर आऊंगा। थैंक्स अ लॉट।